दोस्तों क्या आपको पता है अमेज़न जंगल में एक ऐसा मंकी एग्जिस्ट करता है जिसका साइज आपकी फिंगर जितना होता है और दुनिया का सबसे छोटा बर्ड जिसका साइज सिर्फ बी जितना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 सबसे छोटे एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, पिग्मी रैबिट। दोस्तों ये रैबिट यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ये रैबिट्स की सबसे छोटी स्पीशीज है। दोस्तों इन रैबिट्स को सेजब्रश नामी प्लांट के पास रहना बहुत पसंद होता है, इसलिए ये रैबिट ज्यादातर इसी प्लांट के पास पाए जाते हैं। इनकी लेंथ 9-12 इंचेस तक होती है। दोस्तों ये रैबिट्स अपना घर बनाने के लिए जमीन में होल आराम से कर लेते हैं। इनकी खुराक का हिस्सा भी ज्यादातर सेज ब्रश प्लांट के पत्ते ही होते हैं। नंबर 6, ड्वार्फ लैंटर्न शार्क। दूसरी शार्क की सबसे यूनिक और छोटी स्पीशीज है। इनका साइज सिर्फ और सिर्फ 6-8 इंचेस तक होता है। ये शार्क की सबसे छोटी स्पीशीज ओशन के डीप पार्ट में रहना बहुत पसंद करती है। जहां आपने और शार्क्स को मूवीज वगैरह में देखा होगा वो इंसान के लिए कितनी डेंजरस होती है, वहीं ये शार्क बिल्कुल हार्मलेस होती है क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। इस शार्क के बारे में सबसे अमेजिंग बात इसकी बैली में मौजूद स्पेशल ऑर्गेन्स हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट इस मिस्टीरियस और रियल शार्क के बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि ये बहुत गहरे पानी में रहती है, इसी वजह से इस पर और रिसर्च चल रही है। नंबर 5, सिलेंडर ब्लाइंड स्नेक। दोस्तों स्नेक्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए बहुत से लोग इन्हें वॉब्स भी समझ लेते हैं। वैसे नॉन वेनमस स्नेक होते हैं और अब तक पूरी दुनिया में स्नेक की सबसे छोटी स्पीशीज है। इनका साइज तकरीबन 4 इंचेस तक होता है। इनकी आंखें स्केल से कवर होती है, मतलब ये बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। वैसे इन्हें देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं। सिलेंडर ब्लाइंड स्नेक्स इंसानों के लिए हार्मलेस होते हैं एंड इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। नंबर 4, पिग्मी मार्मोसेट्स। दोस्तों ये एनिमल मंकी की सबसे छोटी स्पीशीज है। मार्मोसेट्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों ये देखने में बहुत ही अडोरेबल लगते हैं और इनका साइज हेड से बॉडी तक सिर्फ और सिर्फ 4-6 इंचेस तक होता है, इसलिए इनको फिंगर मंकीज भी कहा जाता है क्योंकि न्यूबॉर्न पिग्मी मार्मोसेट का साइज तकरीबन इंसान के थंब जितना होता है। इनके इस छोटे साइज और क्यूट अपीयरेंस की वजह से बहुत से लोग इसे पेट बनाने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी स्टेट्स में बिल्कुल इलीगल है क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और इनकी बहुत सी स्पेशल जरूरियात होती हैं। वैसे इनकी ज्यादातर खुराक फ्रूट्स और इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। नंबर 3, बी हमिंग बर्ड। दोस्तों ये दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है। बहुत से लोग इन्हें कभी कभार बीज भी समझ लेते हैं क्योंकि इनका साइज 2-2.4 इंचेस तक होता है। ये अपने स्पेशल एबिलिटी बैकवर्ड फ्लाई की वजह से भी बहुत फेमस है। दोस्तों ये बर्ड हवा में बहुत तेज उड़ते हैं और इवन हर एक सेकंड में 80 बार अपने विंग्स को हिलाते हैं। इनकी इसी स्पीड की वजह से बिल्कुल बीज की तरह फ्लावर्स में से उड़ते उड़ते नेक्टर खा सकते हैं। इनके फेदर्स भी बहुत स्पेशल होते हैं जो कि लाइट के अलग अलग एंगल्स में अपना कलर चेंज करते हैं। नंबर 2, किटी सॉग नॉस बैट। दोस्तों ये अब तक का पूरी दुनिया में सबसे छोटा मैमल है। ये बर्मा और थाईलैंड की केव्स में पाए जाते हैं। इनका साइज 1.1-1.3 इंचेस तक होता है। ये बैट्स इंसेक्टिवोर्स होते हैं, मतलब इनकी ज्यादातर खुराक इंसेक्ट्स पर बेस्ड होती है। दोस्तों इनके कान काफी बड़े होते हैं और आंखें भी वाइट साइड होती है जो इसे इकोलोकेशन में बहुत हेल्प करती है। इकोलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल आवाज निकालता है, वो आवाज ऑब्जेक्ट से बाउंस होकर उसका डिस्टेंस एंड साइज बता देती है। ये प्रोसेस बहुत से एनिमल इस्तेमाल करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। नंबर 1, मोंटी आइबेरिया ल्यूट। दोस्तों ये दुनिया का सबसे छोटा फ्रॉग है। इसका साइज सिर्फ 0.4 इंचेस तक होता है, मतलब इनका साइज तकरीबन इंसान के नेल जितना होता है। ये फ्रॉग अपना ज्यादातर टाइम जमीन में स्पेंड करते हैं पानी के मुकाबले। ये अपने से बड़े एनिमल्स से बचने के लिए खतरनाक मसल पैरालाइजिंग टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों जहां और फ्रॉग अंडे से बाहर आने के बाद टैडपोल स्टेज से गुजरते हैं, वहीं अंडे से बाहर आने के बाद डायरेक्ट अपने एडल्ट वर्जन का छोटा वर्जन निकलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।